मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आज दिन भर मुमरा के चरनी पाड़ा में नाले की दीवार गिरने से हलचल मची रही। दरअसल नाले की दीवार से लगकर सफा चाल नामक इमारत बनी थी, मगर दीवार गिरने से इमारत भी बेहद धोखादायक हो गई। इस इमारत को धोखादायक बताकर टीएमसी के अधिकारी धनंजय गोसावी और साबले ने खाली कराकर सील कर दिया है। दरअसल चरनीपाड़ा स्थित सफा चाल नामक इमारत बिल्कुल नाले से लगकर बनी है और नाले की दीवार भी गिर गई है, जिसकी वजह से ये इमारत बेहद खतरनाक स्थिति में है। जगह जगह इस इमारत में दरार भी पड़ गई है। अफवाह ये भी सामने आ रही है कि इमारत का स्लैब भी गिरा है। नाले की तरफ से ये इमारत बिल्कुल जर्जर हो गई है, जिसकी वजह से कभी भी हादसा हो सकता है। इसकी वजह से आज टीएमसी ने इस इमारत को खाली कराकर सील कर दिया है। इस इमारत में 19 परिवार रहते थे, जबकि दो दुकान भी हैं। 3 मंजिला सफाचाल नामक इमारत को आज खाली करा दिया गया है। इस दौरान कार्यकारी अभियंता धनंजय गोसावी ने क्या कुछ बताया है। ये बिल्डिंग धोखादायक हो गई। वो जो उसका फाउंडेशन था वो के नाले में है वो बिल्डिंग, तो वो नाले की दीवार धंसने से वो उसका फाउंडेशन ओपन हो गया और क्रैक जो छोटा क्रैक था वो मेजर होना चालू किया। तो हमने बोला कि इसको तुरंत खाली करना जरूरी है। वो हिसाब से हमने 19 फैमिली थी, 19 फैमिली रहती थी, उनको हमने घर खाली करने के लिए ये दिया। मगर रमजान अभी हमने शिफ्टिंग दिया है उनको दोस्ती में 2 महीने के लिए, और 2 महीने का जो भी हमारा रेगुलर भाड़ा है वो उनको देना ही पड़ेगा। और दूसरा ऐसा है कि अभी किधर जाएंगे रात में किधर, तो रहने का तो बंदोबस्त करना पड़ेगा। तो हमारे जो सीनियर ऑफिसर है कमिश्नर साहब है, उन्होंने मेरे को चाबी दी, वो हमने चाबी दे दी। नहीं, 19 से टोटल फैमिली है, उसमें से 2 लोग आए नहीं अभी तक, तो 17 चाबी हमने दे दी। 2 चाबी हमारे पास रखी और 2 शॉप थी नीचे, वो शॉप को हमने सीलिंग किया है। इंसानियत के नाते से रमजान महीना है, इसके लिए हमारे साहब ने कमिश्नर साहब ने चाबी दिए है, मगर परमानेंट हम घर नहीं दे सकेंगे धोखादायक बिल्डिंग को। अभी उसके लिए कल कंसल्ट आरसीसी कंसल्टेंट को जो हमारे टीएमसी के पैनल के ऊपर के आरसीसी कंसल्टेंट रहे, वो कल 11 बजे आ रहे हैं। जो बिल्डिंग का जो टेस्ट रहता है वो 3-4 टेस्ट करेंगे, और वो टेस्ट करके रिजल्ट अपने को मालूम पड़ेगा, और वो उसके बाद में अपन बोलेंगे कि ये बिल्डिंग रिपेबल है या उसको डिमोलिश करना पड़ेगा एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द आरसीसी कंसल्टेंट। कभी होगा? कल ही करने वाला हूँ मैं, अभी रमजान है तो उनको कैसा ज़्यादा दिन उधर नहीं, मैं उसको बोला है मेरे को कल शाम तक 5 बजे तक 6 बजे तक है, बोलेगा कि वो कोई टेस्ट है कि उसको 2 दिन लगने वाला है रिजल्ट आने के लिए। 2 दिन मतलब तो ज़्यादा से जल्दी मंडे तक अपन रिपोर्ट उसको मंगाएंगे। इमारत में 19 परिवार रहते थे, मगर जबकि 17 लोगों को टीएमसी ने 2 महीने के लिए दोस्ती में रहने के लिए चाबी दी है, जबकि वहीं बताया जा रहा है कि 2 लोगों को चाबी अभी नहीं मिली है। अफ्तारी का टाइम था, हम लोग नमाज गए हुए थे और वहाँ से आए, उसके बाद में पता चला, तो हम लोग काम पे से आए तो पता चला कि अभी चाबी दे रहे, तो वही आए साहब के पास, साहब अभी चले गए। मैं बाड़ूतुरी हूँ, इनके रूम में मैं बाड़ूतुरी रहता हूँ। मैं उनको बताया अभी कि हम लोग इफ्तारी करने के लिए गए थे, तो आने में लेट हो गया, तो उन लोग क्या बोल रहे, मान रहे नहीं, बोलते ये खाली रूम है, तुम लोग बाड़ूतुरी नहीं है, मेरे पास प्रूफ है। मतलब मैं बाड़ूतुरी, मैं तो इधर ही हूँ ना, तो आपके पास प्रूफ कैसा रहेगा? मैं तो हूँ ना इधर, मेरे पास घर की चाबी भी है। मतलब आप साहब से बोल रहे थे और साहब ने आपको चाबी नहीं दिए? बोलते नहीं, वो खाली है, मेरा प्रूफ है, हम लोग दोनों, मेरा भाई है, दोनों भी बताए। रूम ओनर को लेके आओ इधर पे और उनके डॉक्यूमेंट दिखाएंगे, तो बोले आपको तुम्हारे को चाबी मिलेगा, जब तक नहीं मिलेगा उनको बुला के लेके आओ बोले। तो मैंने कॉल किया तो भाई को बुलाया इधर पे, अभी तक चाबी मिला नहीं है। अब मेन मसला ये है कि अभी ये जैसा रूम तो खाली करा दिए, अभी ये नीचे रह गए, अभी कहाँ जाएंगे, कहाँ पर? फिलहाल जिन्हें चाबी नहीं मिली है, टीएमसी के कार्यकारी अभियंता धनंजय गोसावी ने बताया है कि घर के डॉक्यूमेंट लेकर आएंगे तो इन्हें भी घर की चाबी मिल जाएगी। बहरहाल इस धोखादायक इमारत को खाली कर इन्हें 2 महीने के लिए घर तो मिल गया है, मगर सवाल अब ये उठता है कि क्या टीएमसी इस इमारत की ऑडिट कराएगी? ऑडिट रिपोर्ट में क्या आता है? क्या इमारत को रिपेयर कर इन लोगों को फिर से रहने की अनुमति मिलेगी, या फिर टीएमसी इस धोखादायक इमारत को तोड़ देगी? तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।